नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के कानपुर के थाना बाबूपुरवा पुलिस के उत्पीड़न से त्रस्त जदनेता जनता दल सेकुलर के नगर अध्यक्ष बाबूपुरवा निवासी हामिद हुसैन ने महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, नई दिल्ली मुख्यमंत्री, प्रमुख गृह सचिव, डीजीपी उत्तर प्रदेश, लखनऊ पुलिस कमिश्नर, जिलाधिकारी कानपुर नगर को प्रार्थना पत्र भेजकर जान देने हेतु परिजनों सहित पुलिस या उत्पीड़न के खिलाफ न्याय न मिलने पर इच्छा मृत्यु हेतु आदेश प्रदान करने की मांग की है। भेजे गए प्रार्थना पत्र में हामिद हुसैन ने बताया। कानपुर संवाददाता दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। और क्या मामला है? मेरा नाम हामिद हुसैन है, मैं जनता दल सेकुलर के नगर अध्यक्ष हूँ। विगत वर्ष 2021 में मेरी बहू टांके कटवाने बारिश हॉस्पिटल गई थी तो उसके साथ छेड़छाड़ घटना हुई। इसको थाना बाबूपुरा पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा, बल्कि उल्टा पैसे के बल पर हाई स्कूल फेल अस्पताल संचालक डॉक्टर नाजिब अली ने मेरे खिलाफ, मेरे विकलांग पुत्र खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। इस तरीके तमाम दर्जनों मुकदमा दिखा करके पुलिस मेरा इनकाउंटर कर हत्या कर देना चाहती है, लिहाजा मैं इसीलिए पुलिस के उत्पीड़न से त्रस्त होकर मैं अपनी जान देना चाहता हूँ। इस संबंध में मैंने सभी अधिकारियों को आला अधिकारी प्रार्थना पत्र भेजा, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है कि अगर हमारे साथ न्याय न किया जाए तो मुझे इच्छा वृत्त की इजाज़त दी जाए ताकि अपनी इच्छा अनुसार मैं मर सकूँ। नाजिब अली बहुत भी महामहिम बहुबली है और उसका जो है इंस्पेक्टर, अतिरिक्त इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार सिंह मेरी जान के पीछे लगे, इनकाउंटर कर हत्या कर देने की धमकी दी जा रही है। इच्छा मृत की इजाजत दी जाए ताकि हम और मेरा परिवार स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा अनुसार मौत को गले लगा सकूं।